प्रभात बच्चों, आज कक्षा 10 से पाठ 4 कविता मनुष्यता, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 में चेगांव जिला झांसी में हुआ था, जिनका सर्वाग 1964 में हुआ था। अब हम संक्षिप्त में लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक का परिचय देखते हैं कि जो स्थान माला में प्रथम पुष्प का और गगन में प्रथम नक्षत्र का है, ये भी कहा गया है मैथिली शरण गुप्त के लिए, वही स्थान गुप्त जी का वर्तमान हिंदी कविता में, मतलब कहा गया है कि वो फूलों में जो सबसे श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में गगन में जो सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह हिंदी साहित्य जगत में वर्तमान हिंदी कविताओं में मैथिली शरण गुप्त सबसे पहले है, जिन्हें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहा गया है, जो आधुनिक युग के कलाकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुप्त जी ने अपने कुशल हाथों से सरस्वती की वीणा पर राष्ट्रीयता की धुन निकाली और संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी भारतीय गुण। गुप्त जी का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। ये आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, पोस्ट कार्ड पर चिपकाने वाली पोस्ट टिकट जो मैथिली शरण गुप्त सर के नाम से छपी गई थी। यहाँ डेट भी लिखी है, उनका नाम भी लिखा है। तो आधुनिक हिंदी कविताओं में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नाम है। अगर हम कहें तो जैसे ये हिंदी फिल्मों के अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन कम है, अमिताभ बच्चन को इनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। उनकी रचनाएं देखती है कि गुप्त जी एक साधक कलाकार, उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का आश्रय लेकर हिंदी साहित्य को अनुपम ग्रंथ रत्न प्रदान की। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जयद्रथ का वध जो महाभारत का एक पाठ है, भारत भारती, हिंदू पंचवटी, अनब, रंगमय भंग, गुरुकुल, तेग बहादुर, चंद्रहास, लितोत्तमा, शकुंतला, जयद्रथ है, भारत भारती है, पंचवटी है, ये पुस्तकें दिखाई दे रही है। कविता की पंक्तियों के साथ मैं इसका भावार्थ पढ़ के सुनाऊंगा और फिर अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप थोड़ा ध्यान देना। और ये खड़ी बोली में है, खड़ी बोली मतलब आपकी अभी की जो हिंदी जिसे मानक भाषा कहा जाता है, जिस भाषा को आप आसानी से पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसी भाषा में पूरी कविता है। तो कविता अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी या पढ़ेंगे तब भी आपको उसका भावार्थ समझ में आएगा कि विचार लो कि मृत्यु हो, जो मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा। एक बार दोहराता हूं कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, न हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। इन पंक्तियों को सिर्फ अभी एक ही नाम के साथ में जोड़ूंगा तो आपको समझ में आएगा, सरहद पर जो सिपाही भारत की रक्षा हेतु जो शहीद होते हैं उन्हें ये पंक्तियां समर्पित हम कर सकते हैं। उसकी परिभाषा देखते हैं, तीन पंक्तियां हमने मैंने आपको गाकर सुनाई, पढ़कर सुनाई। कवि कहते हैं कि हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन मरणशील है, अर्थात सभी ने एक न एक दिन अवश्य मरना है। मनुष्य को यह जानते हुए भी मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसकी मरने के बाद भी उसके सद्गुणों को या उसके सद्गुणों के कारण उसे सदियों तक याद किया जाए। समझाने का प्रयत्न करता हूं कि विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित ही है। दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं है जो अमरता को प्राप्त है, जो कभी नहीं मरने वाला है। तो हम जन्म का महोत्सव मनाते हैं तो हमें मृत्यु का भी शोक मनाना नहीं चाहिए। ये वास्तविकता है, एक हकीकत है।
यहाँ यही कहा है कि विचार लोग व्यक्ति हो, तो मौत तो होनी ही है। न मृत्यु से डरो कभी, जो होना ही है उससे क्या डरना है। मरो परंतु यो मरोगे याद जो करे सभी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 100 साल की जिंदगी से वो 30 साल की भगत सिंह की जिंदगी कहीं बहुत बड़ी है। तो वो 30 साल जिए प्रदेश के लिए, इतना कुछ कर गए, नव युवाओं के लिए ऐसा संदेश दे गए कि सदियों तक वो लोग उनसे सीखते रहेंगे और देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगाते रहेंगे। यही वो कहा कि मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सके। गांधी जी, अब्दुल कलाम आजाद, जो देश के लिए जी, जो आज यहाँ नहीं है फिर भी हमारी बातों में, उनके सुविचारों में, उनकी जो समझाने की तरीका है उसके जरिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो जीवन होते है। कोई न जो सुमृत्यु तो वृद्धा मरे वृद्धा जी, वृद्धा मतलब बेकार व्यर्थ, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु, मृत्यु का हम तो महोत्सव नहीं मना, उसे अच्छी या बुरी नहीं है, पर लेखक ने फिर भी मृत्यु को परिभाषित किया। क्यों? कि अगर हम बस अपने लिए जिए और आखिर में मर गए तो कोई हमें याद करने वाला नहीं है, पर हमने जितनी भी जिंदगी बिताई है, ये दूसरों के दुख में काम आए हो, जब जरूरत पड़ी तो मदद की हो, हमने जो कमाया हमने वो हासिल किया है और समझे हैं कि उसमें समाज की देश की योगदान है, उसी वजह से हम आगे आए हैं, तो हमारी प्राप्त हुई संपदा से हम कुछ हिस्सा दान के तौर पर, जगह के तौर पर अपने समाज को समर्पित करते हैं, तो हमारे मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद करेंगे कि बंदा जैसा भी था अच्छा था, समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए कितना करता गया। तो जो व्यक्ति अपने जीते जी सत्कार्य करेगा उसकी मृत्यु कैसी होगी? अच्छी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद भी याद किया जाएगा, वरना वृथा मरे वृथा जी, इसे जानवरों की तरह अपने लिए खाया, अपने लिए कमाया, अपनी भौतिक सुख सुविधा बढ़ाई, सिर्फ अपने लिए ही जीते रहे और आखिर में मर गए तो वो वृथा मरे और वृथा जिए, तो वो व्यर्थ में जिए और व्यर्थ में ही मर गए। तो इन तीन पंक्तियों का इतना ही भावार्थ है। हम आगे की पंक्तियाँ देख रहे हैं। पहली तीन पंक्तियों में आखिरी पंक्ति का भावार्थ पढ़ना रह गया था, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यदि मनुष्य की ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती तो उसका जीना और उसका मरना दोनों ही व्यर्थ। जो मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं जीवित रहता और सदैव परोपकार में लगा रहता है वही अमर हो जाता है, उसे सदा याद किया जाता है। जैसे देश में कुर्बान होने वाले शहीद जिन्हें हम जानते नहीं, जिनका नाम भी नहीं पता है, परंतु वो सीने पर गोली इसलिए खाते हैं वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए। वो वहाँ सरहद पर सीना तान के खड़े हैं ताकि वो आने वाले दुश्मन की गोली उन्हें लगे और हम चैन से सो सके। इसीलिए हर एक मरने वाले को शहीद नहीं कहा, देश के लिए मरता है उसे शहीद किया, शहीद कहा जाता है। शहीद मतलब अमर हो जाता है, कि जो देश के लिए मरा है वो जिया भी अपने लिए नहीं और मरा भी अपने लिए नहीं, जिसने दूसरों के लिए अपना जीना मरना समर्पित कर दिया। आगे की पंक्तियाँ, उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की, उसी उदार से धरा उदार भाव मान, उसी उदार की सदा सजीव वृत्ति पूंज की। उसे दोहराता हूँ कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की, उसी उदार से धरा उदार भाव मान की, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूंज थी। सजीव कीर्ति पूंज थी मतलब मधुर ध्वनि, कीर्ति मतलब यश, सुजीति मतलब मधुर ध्वनि, उदार मतलब आभार, धरा मतलब पृथ्वी, उदार मतलब दान से, तथा उसी उदार को समस्त सृष्ट पूज दी। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, आत्मभाव मतलब अपनापन, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। पूरी पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य
डांसिंग प्रवृत्ति का होता है उसका सदैव गुणगान होता है। उसी डांसिंग मनुष्य का पृथ्वी भी आभार व्यक्त करती है। ऐसे मनुष्य के यश की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती रहती है। वह मनुष्य संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय हो जाता है, अर्थात सभी उसी की पूजा करते हैं जो विश्व के सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है। कवि पुनः कहता है कि जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा मनुष्य है। एक बार फिर से आपको पंक्ति दिखाता हूं और अपने शब्दों में आपको भगवान समझाने का प्रयत्न करता हूं। पहली पंक्ति देखते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की। उदार मतलब दान से, जो जकात देता है, जो दान देता है, जो गरीबों को मदद करता है, जरूरतमंद का हाथ थामता है, उसे क्या कहा गया है? दान से उदार। ऐसे उदार से व्यक्ति की कथा कौन बखान की है? सरस्वती। सरस्वती मतलब जो पुस्तक है, जो किताब आप पढ़ते हो, इसे हिंदी धार्मिक ग्रंथों में सरस्वती माना गया। तो जो अच्छा काम करेगा, जो दान करेगा, जो दूसरों की मदद करेगा, उसकी चर्चा पेपरों में, किताबों में एक न एक दिन जरूर आएगी। कहा जाता है कि सरस्वती किसे मानेगी? जो उदार है, दानशील है, दूसरों को मदद करता है। उसी उदार से धरा उतार भाव मान की। धरा मतलब पृथ्वी, उदार मतलब अभाव। कैसे व्यक्ति का तो सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के मुख पर नहीं, पर पृथ्वी भी ऐसे व्यक्ति का आभार मानेगी। आगे उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। पूजती मतलब मधुर ध्वनि सुनाई देती। कीर्ति मतलब यश। अगर जो व्यक्ति उदार है, दानशील है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो उसकी वाहवाही उसके जीते जी आसपास फैलने लगेगी। उसके सत्कार्यों की महक, वो जहां है, जहां काम करता है, वहां उसकी यश गाथा फैलने लगेगी। लोग आपस में बातें करेंगे, क्या ये बंदा इसके लिए ये कर रहा है। जैसे अभी बार बार उदाहरण देता हूँ, वो सुनू सूद कलाकार है, फिल्म इंडस्ट्री का, जिसने बहुत मेहनत करके रिस्क लेकर, जो मजदूर है, परप्रांत किए, उन्हें घर जाने का प्रयत्न किया, बंदोबस्त किया, सारा खर्चा खुद उसने तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि मतलब आसपास के सब लोग, यहाँ तक कि हम जिसे मानते ईश्वर, वो भी उसका बखान करेगा, उसको अपने पनाह में रखेगा। और समस्त लोग उसकी सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि मतलब आम लोग भी आ गए। जो जो लोग जानेंगे उसकी उदारता के बारे में, तो समस्त लोग उसकी पूजा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। अखंड आत्मभाव से, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव, अखंड, खंड मतलब टुकड़े हो, अखंड मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, प्रेम के टुकड़े नहीं होते, उदारता के टुकड़े नहीं होते, मेहनत के टुकड़े नहीं होते, किसी पर दया के टुकड़े नहीं होते। तो अखंड आत्मभाव पूरा विश्व मिला है, हम सब इंसान हैं, सब भाई बहन हैं, सब अपने लोग हैं। धर्म, जात पात, देश, राज्य, शहर, ये सीमाओं से परे जो अखंड आत्मभाव रखेगा, सब इंसानों के प्रति इंसानियत रखेगा, उदारता रखेगा, उसे असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में उसकी वाहवाही होगी। अब्दुल कलाम, गांधी जी, तो भारत देश के लिए काम करते हुए भी आज भी विदेशों में उन्हें बहुत मान सम्मान के साथ उनकी बातें की जाती है, उनके स्टैचू खड़े किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम भले भारत के लिए किया, और वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक बन गए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बने। देखा देखा मनुष्य कौन कहलाए? जन्म तो हर दिन ने ले लिया, यहाँ दो पैर पर चलने वाला और एक सर रखने वाला सभी मनुष्य, पर जो मनुष्य के लिए जिएगा, मनुष्य के दुख दर्द को समझ पाएगा, महसूस कर पाएगा, जो सिर्फ अपने लिए ना जी पाएगा, उसकी कमाई से कम उसकी अपने के लिए नहीं होगी, उसकी साधन संपदा से अपने लिए नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति को ही सही मायने में लेकर क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। जो मनुष्य के लिए जिया और मरा भी, तो
मनुष्य के लिए हमारा। तो दो पंक्तियाँ दो भाग मैंने आपको व्यक्त किए है व्याख्या कर अपने शब्दों में समझा कर, आने वाले तीसरे भाग में आगे की पंक्तियाँ हम देखेंगे। धन्यवाद।